मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी से बीती रात एक दुखद घटना सामने आई है। यहां देर रात एक मकान में अचानक आग लग गई और आगजनी की घटना में घर में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति की जिंदा जलकर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह आग इतनी भीषण थी कि रात 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आग बुझाने के लगातार प्रयास किए गए, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। अब आपके शहर सागर में छत्रपति शिवाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध, समस्त बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं ऑपरेशन, तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज रोड द्वारका बिहार चौराहा सागर मध्य प्रदेश। बताया जा रहा है कि यह घटना नगर पालिका चौराहे के पास बड़ा बाजार में रहने वाले रामेश्वर नेमा के घर में उस वक्त घटित हुई जब बुजुर्ग नेमा दंपत्ति नींद में सो रहे थे और भीषण आग की लपटों ने उन्हें आगोश में ले लिया, जिससे उनकी आग में जिंदा जलकर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर नगर पालिका देवरी, रहली, खुरई आदि क्षेत्रों से अग्निशामक वाहन घटना स्थल पर पहुंचा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 7 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग बुझाने के दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष नईम खान का भी हाथ झुलस गया है। वहीं अचानक हुई भीषण आगजनी की घटना से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। पास एक मकान में आग लगी है और आप वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा और कैसे आग पे काबू पाया गया? पप्पू नेमा जी ने फोन लगाया कि आग लगी है, तो नगर पालिका की फायर ब्रिगेड लेके और बिजली वालों को लेके पहुंचे। आग बहुत धुंध लगी थी, बचाने के लिए ऊपर चढ़े तो पलंग खाली था, ऊपर लोग से धुआंधार आग ही से धुंध था, कुछ नहीं दिख रहा था। कोशिश पूरी करी बचाने के लिए, लेकिन उनको बचा नहीं पाया, जान बची लिखे, जल भी गए, हम भी जल गए हैं, आज जल गए, फूल आ गए हाथ में। करीब कितने आग लगी है, किन किन लोगों की मौत हुई और आग कैसे लगी? प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत होता है कि आग लगी होगी। इसमें रामेश्वर नेमा और उनकी पत्नी का दुखद निधन हो गया है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है हम सब के लिए, दुखी करी है। तो कितने बजे लगी आगे? लगभग ऐसा अंदाजा है कि 4 से 5 के बीच में लगी है, 4 से 5 के बीच में पता चल पाया है, हो सकता है थोड़ा और पहले लगी हो। करीब कितने का नुकसान होगा? अब उसका आकलन किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो दो जो दंपति थे, बुजुर्ग थे अपने, उनकी डेथ हुई। इसके अलावा अलग से दुकान में कुछ आग लगी है, दुकान में नुकसान हुआ है और घरेलू सामान उनका जो है वो भी नष्ट हो गया है। देवरी से अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सजल मोबाइल, कंप्लीट मोबाइल शॉप, बजाज फाइनेंस कार्ड बिल्कुल फ्री बनवाएं, थोक रेट पर मोबाइल एवं टीवी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। पता सजल मोबाइल, सरस्वती मंदिर गली, बड़ा बाजार, सागर।